हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और यहाँ पर हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आप भी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और सुबह के 8:30 बजे मैं उठ गई हूँ। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि ये थोड़ा बाहर जा रखे हैं, तो हम लोग इतनी सुबह सुबह उठ के करेंगे क्या। और गर्वित का आज हॉलीडे था, तो गर्वित को भी स्कूल नहीं जाना था, तो हमने थोड़ा आराम से उठेंगे क्योंकि दिन भर तो हमें बस बैठना ही है घर के अंदर और कुछ काम तो है नहीं। तो अभी मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ ये नमकीन फ्राई कर रही हूँ, नमकीन चावल फ्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी सीटी लगाई है कुकर में सुबह सुबह, ये रात के नहीं है, ये अभी मैंने उबाले हैं। और गर्वित को मैंने तब तक नाश्ते में बिस्किट और दूध दे दिया है, तो वो बैठ के खा रहा है वहाँ पे। और प्लस उसके कार्टून भी चल रहा है, मोटू पतलू और चिकू बंटी, तो वो यही देखता है। तो देख रहा है, तब तक मैंने कहा किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली डाल दी है, लहसुन और प्याज डाल दिए हैं। तो मूंगफली मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसमें फैट भी होता है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाली है, और ये जो है ना, ये मैं दिन में भी खाने वाली हूँ, दोपहर के टाइम पर, और अभी भी खाने वाली हूँ क्योंकि कल रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, उसके साथ मिक्स करके मैं दोपहर में खाऊँगी। गर्वित आओ, कहाँ बैठ के खाते हैं बेटा? गबा कहाँ बैठ के खाते हैं? गबा कहाँ बैठ के खाते हैं? अरे नीचे तो रखने दो, बाप रे कैसे कर रहा है ये, नीचे रखो नीचे। मुझे छोले भटूरों से दूर करने की प्लानिंग कर रहा है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो तुझे भी नहीं खाने दूंगा। अरे मेरा पेट। ओहो चिकू, तुम ठीक तो हो? और तुम्हारा पेट कब खराब हुआ? कल रात तो मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, तो मशीन में मैंने पानी लगा दिया था। और यहाँ पर ना दिक्कत ये है कि पानी ना जो पाइप से आप पाइप के थ्रू जो आप मशीन में डालते हैं ना, वो वाला पाइप इसके फिटिंग का नहीं है। वो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, भाभी ने उनके फिटिंग का कराया, तो यहाँ पानी बार बार टपकता रहता है और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा अंदर अंदर पानी चप्पल के साथ में, पैरों के साथ में चला जाता है। तो ये बहुत दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा बहुत तो। और आज ये आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि इनके आने से पहले मैं सारा काम फिनिश करके रख दूँ। तो ये कुछ कपड़े बाकी थे मेरे, सोनू के, इनके, गर्वित के, सबके कपड़े थे, तो मैं थोड़े धो देती हूँ क्योंकि फिर ट्रिप के बाद, ये जो ट्रिप पे से आ रहे हैं, ट्रिप के भी कपड़े हो जाएंगे, फिर एक साथ ना बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और फिर बैठने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि फिर ये नेक्स्ट डे जॉब पर जाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा यार चलो कपड़े निकाल ही देती हूँ, ये सारा काम आज ही ख़त्म कर देती हूँ। तो और अभी भी गर्वित भी परेशान नहीं कर रहा क्योंकि गर्वित ना अभी अपनी एक्टिव जोन में नहीं आया है, अभी वो सो के उठा है, थोड़ा बहुत बैठेगा, चीकू बंटी देखेगा, 1 आवर देखेगा, फिर 1 आवर बाद वो एक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद वो परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो बाथरूम आप देख रहे हैं, ये काफ़ी छोटा है, तो इसकी वजह से मैं इसको कैमरे को इधर उधर नहीं रख पा रही हूँ, सब बस जितना आपको दिख सकता है मैं सिर्फ उतना ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं कहीं भी कैमरा नहीं रख सकती हूँ इस बाथरूम में। तो ये जो कपड़े मैं धो रही हूँ, ये कपड़े मेरे और गर्वित के तो इतने गंदे नहीं हैं, पर इन लोगों के कपड़े थोड़ा ज़्यादा गंदे हैं क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं, तो इनके कॉलर वॉलर ये सब धूल मिट्टी सब लग जाता है। बट गर्वित और मेरे को सिर्फ एक बार स्पिन करना पड़ता है और इनका मुझे 3-4 times स्पिन करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी तो कपड़े साफ़ ही रहते हैं। चारको ने बड़ी सीटी बजा दी। अच्छा मुझे दिखाओ 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 कैसे बजाया सीटी, दिखाओ दिखाओ। चारको ने तो बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मेरा काम इतना लेट क्यों होता है, तो उसके भी 2 reasons है। एक रीज़न तो ये है कि गर्वित अभी स्कूल जाने लगा है, तो मैं घर पे आके काम करती हूँ तो तभी लेट हो जाता है। और दूसरा रीज़न उसका ये है कि जब से मेरा YouTube स्टार्ट हुआ है ना,
तब से मेरा 1 आवर के काम में डिफरेंस हो गया है। मतलब क्या होता था ना, पहले आपको कुछ नहीं देखना है कि आपको कैमरा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसे ऑफ करना है, बार बार ऑन करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, आपको ये सब नहीं सोचना होता था। बट जब आप YouTube पर आते हैं तो YouTube पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि ये एक्टिविटी हो गई है, चलो घर में तो आपको ये दिखाना है अभी, तो आप उसमें लग जाते हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आप बिज़ी हो जाते हैं, और जिस वजह से ना आप क्या करते हैं कि काम में ना आपका डिले होता रहता है, आपका लेट होता रहता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से काम लेट हो जाता है मेरा। बट ठीक है, अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है तो अच्छे के लिए स्टार्ट किया होगा, कुछ अपना सोच फ्यूचर का सोच के किया है। और आप लोग कुछ गलत ना सोचें, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि मेरा काम लेट क्यों होता है। तो यहाँ जैसे ही मेरा काम फिनिश होने वाला था, तब भी गर्वित को मुझे परेशान करने का याद आ गया। उसे लगा कि मम्मा को परेशान किया नहीं है आज पूरे दिन, तो मैं अभी परेशान करता हूँ। तो वो गर्वित अब पानी फिराने लगा। मैंने उसे बहुत मनाया पर वो नहीं समझा। और ये देखो, जाते जाते उसने गीज़र ऑन कर दिया और अभी गीज़र में पानी नहीं है। अगर उसे मैं ध्यान ना देती तो ये गीज़र में फट जाता है गीज़र। तो मतलब ऐसे आँख बचने वाले जो काम होते हैं ना, जिसमें आप अवॉइड करते हैं, उस टाइप की ये हरकतें करता है। तो अगर आप ना देखो ना तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पर ये बालकनी है, तो ना ये बालकनी में साइड ये पानी है ना, ये पानी के लिए नाली दे रखी है, वहाँ से पानी निकल जाता है। बट दिक्कत ये होती है कि जो पानी है ना, ये ढलान में नहीं है। आपको शायद ढलान दिख रहा है बट ये ढलान नहीं है, एकदम सीधा है। तो जिसकी वजह से ना मुझे पूरा पानी वहाँ पर खड़े होकर निकालना पड़ता है रोज़ का रोज़, अगर यहाँ पर पानी आ जाता है। और गर्वित क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जो टैप है, ये देखिए आप, जहाँ पर मेरे पाइप्स हैं, ये मशीन के पाइप लगे हुए हैं, वहाँ पर टैप है। और इन्हीं टैप से ना वो ऑन कर लेता है, क्योंकि उसके मतलब कवरेज एरिया में है। आप कवरेज एरिया बोलते ना, हाँ कवरेज एरिया में, तो उसमें ना इसके हाथ की वजह ये ऑन करता है और कभी भी स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप से मेरे काम बढ़ जाते हैं, और कोई नहीं है। तो ये पीछे वाली बालकनी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट आगे वाले में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खुला है। आगे प्लॉट जो है वो भी खाली है, और जो साइड वाला प्लॉट है वो भी खाली है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है। और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा नहीं आती है, ये सब्जी वब्जी वाले इस साइड से ज़्यादा आते हैं। अगर सब्जी वाले देखने हैं तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। तो फाइनली सारा काम हो गया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, गर्वित ने मेरे लिए एक और काम एडवांस से फैला दिया है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये जो किचन के चिमटे स्पून है ये देखो। और अभी बाहर भी दिखाती हूँ, बाहर भी क्या करके आया है। और ये देखिए, ये कल मैंने थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी वो रखी थी, तो ये देखिए। ठीक है, दिखा दिया, दिखा दिया, मारू क्या, दिखा दिया, सब दिखा दिया, सब दिखा दिया, तुम्हारे जो काम है सब दिखा दिया मैंने। तो अब भी मैं जा रही हूँ नहाने, और अब गर्वित को भी लेके जा रही हूँ। और ये देखो फिर से देखो, ये बच्चा रोता है, ये देखो इसे, ये देखो गंदा बच्चा है, ये रोता है। तो अब मैं और गर्वित नहाने जा रहे हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं। ये देखो गर्वित रो रहा है, नहीं ये बच्चा रोता है, ये बच्चा रोता है, इसको देखो। मैं जस्ट अभी अभी फ्री हुई थी, तब तक विशाल का फोन आ गया कि दीदी घर में क्या कर रहे हो। मैं कहा बोर हो रही हूँ, बोला दीदी आ जाओ चलो घूम करके आते हैं। हेलो विशाल, मैं बता कितने दिनों बाद मिल रही तेरे से। 25 तेरा मुँह 25 दिन तो हुए भी नहीं है। 50 दिन बाद क्यों कर रहे? अरे यार भयंकर ही गर्मी हो गई, चिपचिप हो गई यार ये तो। तो ये विशाल ने मंगा लिया है खाना। क्या मंगाया तूने? मैंने मंगाया मटर पनीर। अच्छा चावल विद चावल। गया गया गया, अरे गया हाथ गया वो दिया। मामू की गाड़ी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये बस मामू गाड़ी में बैठ जाएगा और उसको मामू की गाड़ी में बस ये खेल करता रहेगा। अपनी गाड़ी में बेचारा मेरी गोदी में बैठा रहता है, और पीछे बैठते हैं मामू गाड़ी में बस ये ऐसे देखता रहेगा। हाय देखा मैं आ गई, सही किया आप आ गई, सफाई चल रही है। हाँ, तो मैं आ गई, फर्स्ट टाइम आई हूँ आज विशाल के घर। क्या चल रहा है, कहाँ है सब लोग? मम्मी नहाने जा रही हैं। अच्छा आंटी नमस्ते। हाँ जाओ जाओ चलो आओ। हाँ तो चिल्ला, तेरे को बताऊँ मैं भी। हाय मैम, मैं आ जाओ ऊपर आ जाओ। बदमाश कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है?
अच्छा हाँ, ये पूरा एरिया हो गया ना। हाँ, सही है। पर ये तुम लोग तो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं यार विशाल। ये आ गए हम सबसे ऊपर। हाँ, ये सामने, ये कौन सी वो है, कोई हाइट्स है ना, कौन सा था ये, सावन शवाना, ये शवाना हाइट्स, ये यहाँ शवाना हाइट्स, वो क्या है सामने, वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना, वो लिखा ग्रीन पार्क, आपको दिख रहा होगा ना, वो टंकी है ना, टंकी पे लिखा हुआ है। जो जो ए जो जो बस तेरे को बोल रहा है गोदी में ले ले। किच्ची भी हो गया। जो जो तू बहुत बेकार हो गया है। चले जाओ, हटो यहाँ से, चलो यहाँ से नीचे। गंदी, लड़ी गंदी, नहाई नहीं, गंदी गंदी। इसकी पिटाई तो कर दो आंटी, पिटाई करो इसकी। इसे डांटो तो डांटने पे कैसे करती है ये? घर पे मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाई थी इधर, हैं? मैं अच्छी देखो। ये देखो कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ सीनू बना रही है खाना। खाना बन रहा है सीनू, क्या मजे हो रहे हैं। कभी तो घूमने आ जाएगा घर पे। कुछ पता ही नहीं मेरे दोस्तों ने से ये सब चीज़। अच्छा मतलब उन लोगों को भी मुझे लग रहा है उनका ही फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। नहीं, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, उनका एक्सपीरियंस पहले का ही था। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था। लेटिंग है तो पीछे को जाएगा, लेकिन वो पुश करने पे पीछे ही नहीं जा रहा। अब मेरा दोस्त क्या बोला, यार ये ऐसे नहीं, ये बटन है ना, इससे ऐसे करके दबाओ तो जाएगा। अब वो दबाया दीदी, ऐसे करके पूरे लेट गया। गाड़ी पूरे टाइम जो है ना, पूरे टाइम सोता रहा। मुझे उम्मीद भी तेरे से यही थी, जब तू हमारे साथ सो सकता है तो उस पे तो बिल्कुल ही सो गया होगा। वो तेरे को एसी मिल गया ना, एसी स्लीप, एसी में मिल गया, एसी थर्ड एसी सेकंड एसी में सो गया तू। बस बस विशाल ही उतार। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा तो फाइनली हम लोग खाना ना खा के और सर में ऑयल लगा लिया था, फिर अब हेयर वॉश कर लिए हैं, गर्वित के भी कर दिए हैं और अपने भी कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नीनू करने। अब हम नीनू करेंगे और आपको कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।